स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई सेकेंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और लाफ रिफ्रैक्शन क्या होता है सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रो ए कंपाउंड प्लेट कंपाउंड प्लेट का मतलब क्या है हमारे पास जो प्लेट है ठीक है उसको हमने सेंटर में से कट कर दिया और ऊपर वाला जो पार्ट है उसका रिफ्रैक्टिव नेक्स भी है जो नीचे वाला पार्ट है उसका रिफेक्टिव इंडेक्स सी है इस प्लेट को हमने एयर में रखा ठीक है एयर का रिफेक्टिव इंडेक्स हमने क्या कंसिडर किया ए और यहाँ पे हम हमारे पास कितने रिफेक्टिव इंडेक्स हो गए थ्री ए बी एंड सी हमने डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रो ए कंपाउंड प्लेट रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें हमें क्या अप्लाई करना होता है स्नेल्जिला तो हम स्नेल् अप्लाई करेंगे पहले ए पॉइंट पे फिर बी पॉइंट पे और फिर सी पॉइंट पे ध्यान से देखो स्नेल्स ला को हम कैसे अप्लाई करते हैं स्नेल्स ला एट ए पॉइंट ए स्नेल्स ला के अकॉर्डिंग क्या होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव नेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ठीक है तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है आई यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है आर वन दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव नेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखिया लिखा ए म्यू वी इसका मतलब है रिफ्रेक्टिव नेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इसको हम ऐसे लिखते हैं म्यू वी अपॉन म्यू ए बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव नेक्स है ए फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव नेक्स है फिर हम स्नेसला अप्लाई करेंगे एट ए पॉइंट बी देखो जो रे रिफ्रैक्टेड हो रही थी वो बी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है तो कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ आर वन ओके और जो रे रिफ्रैक्टेड होएगी सी मीडियम में एंटर करेगी वो कितना एंगल बना रही है आर टू मतलब कि रिफ्रैक्ट लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है आर टू तो हम स्नेसला अप्लाई करेंगे एट ए पॉइंट बी पे स्नेैल हम कैसे अप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ एंगल ऑफ़ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ़ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव नेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इसको हम कैसे लिखते हैं तो इस केस के लिए जब हम ला एट ए पॉइंट बी पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे सेकंड मीडियम का रिफेक्टिव इंडेक्स क्या है सी और फर्स्ट मीडियम का रिफेक्टिव इंडेक्स क्या है बी इसको हम ऐसे लिखते हैं ठीक है इसको हमने वन से रिप्रेजेंट कर लिया इसको हमने टू से रिप्रेजेंट कर लिया तो हम अब हम स्नैलजिला अप्लाई करेंगे एट ए पॉइंट सी पे स्नैलजिला हम कैसे अप्लाई करते हैं देखो ये हमारे पास जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है आर टू और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है आई तो स्नेजला अप्लाई करेंगे हम साइन आर टू पोन साइन आई इज इक्वल टू रिफेक्टिव मीडियम क्या है एयर एयर का रिफेक्टिव था ए और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मीडियम क्या है सी ठीक है इसका हमने रिफेक्टिव डेक्स क्या कंसिडर किया था सी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं बोलते हम इसको कैसे रिफेक्टिव डेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इसको हमने थ्री से रिप्रेजेंट कर दिया अब हम क्या करेंगे इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकेंड है और ये थर्ड है तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास टर्म है सभी आपस में क्या होगी कैंसिल राइट हैंड साइड में जो हमारे पास टर्म है रिफ्रैक्टिंग डेक्स ऑफ बी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम रिफेक्टिव नेक्स ऑफ सी मीडियम विदेक्ट टू बी मीडियम लेको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिफेक्टिव डेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या है सी मीडियम इसको हम इसका इनवर्स भी लिख सकते हैं रिफेक्टिव डेक्स ऑफ सी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम ओके तो नेक्स ऑफ सी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम किसका प्रोडक्ट आ गया ए म्यू बी इन बी म्यू सी ये हमारा कंसेप्ट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रो ए कंपाउंड मीडियम ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिक काज क्या है रिफ्रैक्शन का सेकेंड लेक्चर में हमने एक डेरिवेशन की है बेटा डेरिवेशन कुछ नहीं है आपके लिए आप सोचते हो डेरिवेशन टफ है कुछ नहीं है जस्ट हमने उसमें थ्योरी अप्लाई करनी है जैसे जो सेकंड चैप्टर में डेरिवेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सारे चैप्टर में स्नेल्स स्नेल्सला अप्लाई हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया हमने कैसे अप्लाई करना है ओके ये डेरीवेशन आपको थ्री मार्क्स की आ सकती है एग्जाम में ठीक है कल आप और डेरीवेशन करेंगे ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट